नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। साल 2017 में हमारे देश की आबादी करीब 130 करोड़ थी, जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में हमारे देश की बढ़ती आबादी चीन की आबादी को भी पीछे छोड़ देगी। ऐसे में देश की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए या फिर कहें कि कम करने के लिए राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया, जिसका नाम है पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल, यानी कि जनसंख्या नियमित बिल, जो इसे मोदी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि बतौर राज्यसभा सांसद और संघ प्रचारक राकेश सिन्हा ने पेश किया एक प्राइवेट बिल के तौर पर। लेकिन पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल क्या है, अब ये हम आपको बताते हैं। बेसिकली ये बिल टू चाइल्ड पॉलिसी पर आधारित है, यानी कि हम दो हमारे दो, जिसके चलते अगर ये बिल कानून में तब्दील हो जाता है तो इसके चलते हम दो हमारे दो परिवार वालों को सरकार की तरफ से कई बेनिफिट्स मिलेंगे। एक पहला बेनिफिट ये होगा कि कम ब्याज दरों पे आपको लोन मिल पाएगा। दूसरा होगा कि जो भी पैसा आपके बैंक में जमा है उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तीसरा, एजुकेशन और नौकरियों में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन इस बिल का जो सेकंड पॉइंट है वो है सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, इस बिल के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक शपथ पत्र सरकार को देना पड़ेगा, जिसमें उन्हें ये लिखकर देना पड़ेगा कि आप दो से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बिल का तीसरा पॉइंट देश के राजनीतिज्ञों के लिए है। जी हाँ, इस बिल के माने या फिर जब ये कानून बन जाएगा तो जो राजनेता दो से भी ज़्यादा बच्चे करेंगे तो वो अपना पॉलिटिकल करियर खत्म समझिए, यानी कि ना ही आप विधायक बन पाएंगे, ना ही आप सांसद बन पाएंगे और ना ही आप किसी भी तरह मिली जुली सरकार में कोई भूमिका निभा पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर मोटी मोटी बात हमने ये बताई कि इस कानून के तहत हम दो हमारे दो जो लोग इसका पालन करेंगे उन्हें किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है और फिर भी लोग इस कानून का पालन नहीं करते तो उन्हें तमाम तरह की पेनल्टीज़ भी भुगतनी पड़ेगी। पहली पेनल्टी होगी कि सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडीज, चाहे वो सिलेंडर को लेकर हो या फिर पहला मकान खरीदने में। दूसरी तरफ जो सरकारी जो सब्सिडीज होती हैं, जो सरकारी योजनाएँ होती हैं, उनसे फिर आपको महरूम रहना पड़ेगा। तो ये हमने आपको सिक्के के दो पहलू दिखाए कि जो लोग इस कानून का पालन करेंगे उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और जो लोग इस कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें किस तरह की पेनल्टीज़ भुगतनी पड़ेगी। अब बारी आती है कि यह हम आपको एक बात और बताते चलें कि ये जो कानून होगा ये सिर्फ उन लोगों पे लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले ही दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करके, यानी कि जब ये कानून लागू होगा उसके बाद जो भी परिवार यानी कि जो भी दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन पे ये कानून लागू होगा। लेकिन इस बिल पे आम लोगों से लेके नेताओं का क्या कहना है, अब हम ये आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पे लोग इस बिल की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें इस बिल का काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार था। लेकिन नेताओं की बात करें तो सबसे पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों को सिर्फ टू चाइल्ड पॉलिसी पर रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए दो बच्चों का नियम होना चाहिए और जो इस नियम को ना माने उसका वोटिंग का अधिकार खत्म कर देना चाहिए, यानी कि जो लोग इस कानून का पालन नहीं करेंगे उनको वोटिंग से या फिर कहें कि उनका मत अधिकार पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक ग्राफिक भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि 1947 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या 367% की वृद्धि हुई और इस अवधि में अमेरिका की जनसंख्या में सिर्फ 13% की बढ़ोतरी हुई। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत मतलब अमेरिका के मुकाबले भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि थी किस कदर बढ़ती गई। और उन्होंने इस ग्राफिक के ज़रिए तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे गुजारिश की कि आप इस बिल का समर्थन कीजिए ताकि ये एक कानून का शक्ल ले पाए। लेकिन वहीं योगगुरु बाबा रामदेव का कहना था कि जो भी तीसरे बच्चे के बारे में सोचे या फिर तीसरा बच्चा करता है तो उसके वोटिंग अधिकार उससे छीन लेने चाहिए। अब बात आती है कि देश की जनता से लेके या फिर यूँ कहें कि लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कहते हैं कि जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो ठीक उसी तरह इस बिल को लेकर कई लोगों ने अपनी चिंता भी जताई है। कई लोगों ने कॉलम्स लिखे और कई
या फिर कहीं कई आर्टिकल्स में कहा गया कि पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो गरीबों को होगा, क्योंकि गरीबों का, क्योंकि देश की या फिर कहें कि सरकारी योजनाओं से गरीबों की ज़िंदगी जुड़ी होती है, ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान इस बिल से गरीबों को होगा। जिसके चलते पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव जो थी पूनम मुतेरजा का कहना है कि इंडिया की डेमोग्राफी को ये बिल ठीक से समझ नहीं पाया, और उनका ये भी कहना है कि भारत में बच्चे पैदा करने की दर पहले से ही घट रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 51 से लेकर 2001 के बीच हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 21.5% थी, जो 2001 से लेकर 2011 के बीच घटकर 17.7% रह गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल से गरीबों को इसलिए नुकसान होगा क्योंकि सब्सिडी पे मिल रहा जो खाना गरीबों को मिलता है, क्या पता इस बिल के आ जाने से या फिर इस बिल के कानून बन जाने से वो ख़त्म हो सकता है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बिल से भ्रूण हत्या को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो लड़कों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये तो बात रही भारत की। अब अगर हम दुनिया की बात करें, सबसे पहले हम बात करें पड़ोसी मुल्क चीन की, तो 70 के दशक में अपने देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए चीन ने भी टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। चीन ने कहा था कि ग्रामीण परिवारों को दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं है, तो वहीं शहरी इलाके के परिवार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी के बाद चीन में जो बुज़ुर्गों की जो संख्या थी वो बढ़ती गई, जिसके बाद साल 2013 में उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में चेंज किया, जिसके बाद उन्होंने पॉलिसी में चेंज करते हुए ये कहा कि वो लोग दो से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं जो खुद की, यानी कि जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। तो वहीं एक तरफ भारत है जो कि अपनी बढ़ती आबादी से परेशान है, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन बिल लाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत का ही सबसे अजीज दोस्त रूस है जो कि अपनी घटती आबादी से परेशान है। जी हाँ, रूस की जो आबादी है वो दिन पर दिन घटती जा रही है, जिसको लेकर उसे बढ़ावा देने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो हर साल उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जो कि 7 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जो लोग दूसरे बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, उन्हें पुरस्कार के तौर पर धनराशि भी दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राकेश सिन्हा ने जो बिल पेश किया है उसका काफ़ी लोगों ने समर्थन भी किया है और काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके नफ़ा भी होता है, उसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि अगर कोई परिवार दूसरे बच्चे के बारे में सोचे और दूसरा बच्चा अगर उसका जुड़वा हो जाए तो ऐसे में वो बिल के किस दायरे में आएगा। तो पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल यानी कि जनसंख्या नियमित बिल को लेकर आप किस पर क्या राय है, क्या हमारे देश में इस तरह का कानून बनना चाहिए या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी इस पर भी आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त। सभापति महोदय, हम भाषाओं के विकास की बात करते हैं और संस्कृत भाषा की हम उपयोगिता समझते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 13 परिसर हैं। पूरे देश भर में इसमें 15,000 के करीब छात्र पढ़ते हैं और सिर्फ 120 स्थायी शिक्षक हैं। 240 ऐसे शिक्षक हैं जिसमें 29 महिला शिक्षिका हैं, जो 6 वर्षों से लेकर 15 वर्षों तक वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन शिक्षकों को स्थायी किया जाए। ये संस्कृत की भाषा के विकास के लिए आवश्यक है और राष्ट्रीय संस्कृत जो प्रतिष्ठान है उसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हम अन्य भाषाओं के लिए तो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन जिस भाषा की उपयोगिता इस देश की संस्कृति सभ्यता के संवर्धन में है, जो भाषा कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा और वैज्ञानिक भाषा समझी जा रही है, उसके प्रति ये उपेक्षा का भाव ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि 240 शिक्षकों को अविलंब स्थायी नियुक्ति की जाए और जिस में 15,000 शिक्षकों में सिर्फ 120 शिक्षक स्थायी हों, ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है। सभापति महोदय, हम भाषाओं के विकास की बात करते हैं और संस्कृत भाषा की हम उपयोगिता समझते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 13 परिसर हैं। पूरे देश भर में इसमें 15,000 के करीब छात्र पढ़ते हैं और सिर्फ 120 स्थायी शिक्षक हैं।
240 ऐसे शिक्षक हैं जिसमें 29 महिला शिक्षिका हैं, जो 6 वर्षों से लेकर 15 वर्षों तक वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन शिक्षकों को स्थायी किया जाए। ये संस्कृत की भाषा के विकास के लिए आवश्यक है और राष्ट्रीय संस्कृत जो प्रतिष्ठान है उसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हम अन्य भाषाओं के लिए तो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन जिस भाषा की उपयोगिता इस देश की संस्कृति सभ्यता के संवर्धन में है, जो भाषा कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा और वैज्ञानिक भाषा समझी जा रही है, उसके प्रति ये उपेक्षा का भाव ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि 240 शिक्षकों को अविलंब स्थायी नियुक्ति की जाए और जिस में 15,000 शिक्षकों में सिर्फ 120 शिक्षक स्थायी हों, ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है।